नमस्कार बच्चों, मैं प्रहलाद राय, एग्रीकल्चर लेक्चरर, जीनियस मॉडल स्कूल सुंदगढ़ से। आज अपने पढ़ते हैं सिंचाई 12th क्लास एग्रीकल्चर में सिंचाई जो टॉपिक है अपना, वो लेसन पढ़ेंगे आप भी। सिंचाई क्या होती है? जैसा कि आप सब जानते हैं, सिंचाई का अर्थ होता है यानी किसी भी पौधे को जल देना या उसमें पानी देना। जैसे इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है, पौधों को कृत्रिम विधि द्वारा जल देने की जो क्रिया है उसे सिंचाई कहते हैं, या फिर मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए अपने कृत्रिम विधि द्वारा जो जल देते हैं उसे सिंचाई कहते हैं। मेन बात यह है, मुख्य बात यह है कि फसल उत्पादन में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान है। सिंचाई के बिना फसल उत्पादन करना असंभव है, ठीक है? यानी पौधे को समस्त पोषक तत्वों का पोषक तत्व है उनको ग्रहण करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। यानी जो पोषक तत्व है वो जल में घुलनशील होते हैं, जिनके द्वारा पौधों को मिलते हैं, ठीक है? तो ये बढ़वार में फसल उत्पादन में दोनों ही चीज में सिंचाई करना एक आवश्यक रूप से जरूरी है। और इसकी कुछ क्रिटिकल स्टेज होती है जिसको क्रांतिक अवस्थाएं बोलते हैं, यानी पादपों की या फसलों की जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है उन अवस्थाओं पर अपने क्या है सिंचाई करते हैं। इन अवस्थाओं के बारे में अपने यानी जो क्रांतिक अवस्थाएं के बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ मुख्य बातें हैं कि सिंचाई अपने क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। डेफिनेशन का तो आपको पता चल गया, कृत्रिम विधि द्वारा फसल को जल देना या पौधों को जल देने की जो विधि है उसे ही इरिगेशन यानी सिंचाई कहा जाता है। अब सिंचाई के लिए सिंचाई क्यों जरूरी है, आवश्यक है, कुछ बातें हैं जिसमें सिंचाई क्यों आवश्यक है। जैसे मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखें, मृदा में नमी है तो अपने सिंचाई करते हैं, ठीक है? यदि अपने सिंचाई करते हैं तो गर्मी के मौसम में जैसे सिंचाई करते हैं तो क्या होता है कि जहां अपने जिस फसल में सिंचाई करते हैं कुछ समय के लिए 2 या 3 दिन या 5 दिन के लिए वहां का जो वायुमंडल है यानी वहां का जो तापमान है, उस फसल का ऊपरी तापमान है, वो उस फसल के अनुकूल हो जाता है यानी ठंडा हो जाता है। वायुमंडल यानी तापमान कम करने हेतु, ठीक है? ये कुछ मुख्य चीजें हैं, बाकी वो आप जानते ही हो। जैसे निराई गुड़ाई में सहायता मिलती है इसी निराई गुड़ाई में, वो तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं। निराई गुड़ाई करने के लिए जो कर्षण क्रियाएं करते हैं ना, कर्षण क्रियाएं का होता फसल में निराई गुड़ाई करना, ठीक है? इसके अलावा जैसे मृदा में उपस्थित जो लवण होते हैं, मृदा में उपस्थित लवण के निक्षालन है, ठीक है? लीचिंग बोलते हैं इसको, निक्षालन है। तो यानी जब आपने सिंचाई करते हैं तो मृदा में जो ऊपरी मृदा में जो लवण की मात्रा होती है वो क्या है, निचले स्तरों में यानी नीचे भूमि में तह में चली जाती है। ये कुछ मुख्य बातें हैं इसलिए अपने पौधों में सिंचाई करते हैं। बाकी तो आप जानते ही हो, यदि पौधा मुरझा जाता है तब उसको सिंचाई की आवश्यकता होती है, या फिर निराई गुड़ाई करते हैं कर्षण क्रियाएं करने के लिए उसमें मतलब क्या है कि अपने सिंचाई करते हैं, या फसल अपने बोई हुई है उसे सूखे से बचाने के लिए उसका उत्पादन स्तर घटना चाहिए इसलिए सिंचाई करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण इसमें बात है। अब आपको बताते हैं कि फसलों में सिंचाई कब करें। इसमें 3-4 बातें मुख्य रूप से हैं कि फसलों में सिंचाई कब करें। 2-3 चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं, फसलों में सिंचाई कब करें, अब देखो फसलों में सिंचाई में इसमें नंबर एक बात, पहली बात ये कि जब पादप मुरझा जाते हैं, यानी इस चीज का अवलोकन कब करते हैं, अपने खेत में जाते हैं, ठीक है?
अधिक तापमान यानी गर्मियों के समय में जाते हैं, यदि खेत में जाते हैं अपने 12 बजे से 2 बजे के बीच का ये टाइम होता है, तो उसमें अपने देखते हैं कि यदि फसल है वो मुरझाई हुई है, पत्ते मुरझाए हुए हैं, तब उसमें सिंचाई करते हैं। आई बात पौधों के आधार पर, यानी पौधों के आधार पर इसको अपने कह सकते हैं, पौधों के आधार पर, ठीक है, पौधों के आधार पर फसलों का अवलोकन करते हैं, उसको देखते हैं यदि पादप मुरझाए हुए हैं, ठीक है, मृदा में नमी नहीं है, समझ गए, दूसरी बात इसमें मृदा में नमी की मात्रा देखकर यानी अपने जब देखते हैं मृदा को खोद उसकी खुदाई करके देखते हैं, तो यदि नम मिट्टी ज़्यादा गहराई में है तो जड़े हैं वो फसलों की जड़ें वो ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाती, इसलिए अपने उसमें सिंचाई करते हैं ताकि मृदा में नमी की मात्रा है वो सही अनुपात में यानी पौधों के अनुकूल है वो बनी रहे। या फिर इसमें तीसरी बात ये होती है कि इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता, इंफ्रारेड थर्मामीटर ये इसमें इंपॉर्टेंट है, आप उसको थोड़ा देख लेना, इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से पत्तियों की सतह का तापमान मापकर अपने सिंचाई का निर्धारण करते हैं, पत्तियों की सतह का तापमान मापकर पौधों में यानी फसल में सिंचाई निर्धारण करते हैं, सिंचाई का वक्त तय करते हैं, इंफ्रारेड थर्मामीटर आता है, ठीक है, इसकी सहायता से अपने उसको देख सकते हैं भी इसमें भी सिंचाई की आवश्यकता है या फिर नहीं। इसके अलावा फसल की सतह का तापमान मापते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर से, ठीक है, जिससे क्या है कि मापकर अपने सिंचाई का निर्धारण कर लेते हैं। अब इसमें आता है क्रांतिक अवस्थाएं, क्रांतिक अवस्थाएं जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था, चौथा पॉइंट इसमें क्रांतिक अवस्थाएं, क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं इसको, क्रांतिक देखो क्रांतिक अवस्थाएं क्या है, क्रांतिक फसल की क्रांतिक अवस्था के आधार पर अपने पौधों में फसल में सिंचाई करते हैं। अब देखो फसलों में कुछ ऐसी अवस्थाएं आती है जिस वक्त उसे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिसको अपने क्रिटिकल स्टेज क्रांतिक अवस्था, यानी फसल में कुछ ऐसी अवस्थाएं आती है उस वक्त फसल को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो यदि अपने उस वक्त सिंचाई नहीं करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी फसल की उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, गेहूँ तो गेहूँ की जो क्रिटिकल स्टेज है वो आपको बतानी चाहिए, गेहूँ की क्रिटिकल स्टेज है पत्थन कब देते हैं, जड़ फुटान अब ये गेहूं की प्रथम अवस्था है, क्रिटिकल स्टेज की प्रथम अवस्था है जिसमें शीर्ष जड़ निकलना या शीर्ष जड़ फुटान, शीर्ष जड़े निकलने के बाद जिसको अपने आम भाषा में कहते हैं कोर डालना, यानी हमारी जो एग्रीकल्चर की पारिभाषिक शब्दावली है उसमें इसको क्रिटिकल स्टेज यानी क्रांतिक अवस्थाएं आती है, क्रांतिक अवस्था कहते हैं जिसमें फसल की कोर दाबना कहते हैं, ठीक है, उस वक्त गेहूं को सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है, जो जटिल समस्या होती है वो एक प्रकार की, उस वक्त सिंचाई करना बहुत अनिवार्य होता है, यदि अपने उस वक्त सिंचाई नहीं करते हैं तो गेहूं की फसल का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत स्तर उसका कम होता है, उस वक्त उसे शीर्ष जड़ फुटान पर यानी शीर्ष जड़ें जब निकलती है उस वक्त उसे सिंचाई करना बहुत ही अनिवार्य होता है। जैसे उसके बाद दूसरी सिंचाई कब आती है गेहूं में, कल्ले फुटान, कल्ले फुटान यानी कल्ले फुटान मतलब उसका तना बनना शुरू हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, पहली सिंचाई करने के बाद दूसरी सिंचाई कब करते हैं, कल्ले फुटान को, यानी उसमें से 3-4 पत्तियां और निकल जाती है, ठीक है, तना बनना शुरू हो जाता है, उस वक्त अपने
इसमें दूसरी सिंचाई करते हैं, फिर गांठ अवस्था में करते हैं, ठीक है, जैसे पौधे में गांठ से बन जाती है ऊपर उस वक्त करते हैं, ठीक। फिर दूध या अवस्था होती है इसकी, दूध या दानों में दूध, ठीक है, जो कच्चे दाने होते हैं गेहूँ के उसको उनको आप ठीक है जैसे उनको दबा के देखोगे तो उसमें दूध जैसा निकलता है, ठीक है, वो होती है उसकी दूध या अवस्था, उस वक्त करते हैं, ठीक है। और एक अंतिम अवस्था कब होती है, दाना पकते समय, जब दाना नमी, जब अपने गेहूँ में देखते हैं दाने में नमी की मात्रा है और दाना पकने की अवस्था में है तो उस वक्त अपने सिंचाई करते हैं, ये होती है फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं। तो इन सब अवस्थाओं को देखते हुए अपने क्या है इनमें सिंचाई का, फसलों में सिंचाई का निर्धारण करते हैं कि सिंचाई कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, ठीक है। तो आसान सा है जी, सा इसको कोई ज़्यादा ये चीज़ नहीं है कि आपके समझ में नहीं आएगी, आसान सा है, इसे आप आसानी से समझ सकते हो। हर फसल की अलग अलग क्रिटिकल स्टेज होती है, ये भी आप ध्यान रखना। जैसे जो में अपने कब करते हैं, जो की जो क्रांतिक अवस्थाएं कब करते हैं, जो में बुआई के 30 दिन बाद करते हैं, बुआई के 30 दिन बाद अपने इसमें पहली सिंचाई करते हैं और फिर करते हैं दाना बनते समय, यानी दो सिंचाई की आवश्यकता होती है, दाना बनते समय करते हैं दो सिंचाई की आवश्यकता होती है। जो में ये आपको पता होना चाहिए कि बुआई के 30 दिन बाद, यानी उस वक्त जो के लिए जो तापमान है वो उसके प्रति अनुकूल होना चाहिए, ठीक है, तभी 30 दिन को निकाल पाता है। यदि तापमान अधिक है तो 30 दिन से पहले भी बुआई करनी पड़, सॉरी सिंचाई करनी पड़ सकती है, ये बात आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो देखो, फसलों में सिंचाई कितनी करें, फसलों में सिंचाई कितनी, ये हर फसल की सिंचाई है वो जलमान होती है वो अलग अलग होती है। फसलों में सिंचाई कितनी करें, कितनी करें, फसलों में सिंचाई कितनी करें, देखो मैं बता दूं आपको कि मेन टॉपिक इसका था जलमान, जल जलमान के आधार पर अपनी सिंचाई करें। जैसे धान है, धान है, गेहूं है, ठीक, आलू हो गया, दो तीन अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं, धान गेहूं, ठीक है, इनमें क्या है कि जैसे धान में 900 से 2500 मिमी पानी की आवश्यकता होती है, 900 से 2500 मिमी, ठीक है, 900 से 2500 मिमी धान में जल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जैसे गेहूं होता है तो गेहूं में 450 से 650 मिमी जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये क्या है, फसलों की जलमान है, भी किस फसल को कितने जल की आवश्यकता पड़ती है, ये फसलों की जलमान है, ठीक है। इसी प्रकार आलू में देखते हैं, आलू में 500 से 700 है, 500 से 700 मिमी। आई बात समझ में, गन्ना में धान से भी ज्यादा ध्यान रखना, 1500 से 2500 मिमी, ठीक है, इसके जल जितनी होती है 1500 से 2500 मिमी। ये क्या है, फसलों की जलमान, हर फसल की जलमान क्या होती है, अलग अलग होती है। आई बात समझ में, तो आज का अपना टॉपिक था सिंचाई, यानी सिंचाई फसलों में क्यों करते हैं, कब करनी चाहिए, ठीक है, और कितने जल की आवश्यकता होती है, इनके बारे में आज हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक में अपने पढ़ेंगे सिंचाई की विधियाँ, भी सिंचाई की जो विधियाँ हैं वो कितने प्रकार की, बूंद बूंद विधि है, चेक बेसिन विधि है, फुहारा पद्धति है, कुंड विधि है, इन विधियों के बारे में अपने पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।